जो आज की क्लास हम लेने जा रहे हैं वो हमारी क्लास है भाई साहब स्फेयर की, क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था स्ट्रेट लाइन, और अब हम 3D का टॉपिक है, 3D का टॉपिक चल रहा है। 3D के टॉपिक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेयर अर्थात गोला। तो गोला पढ़ेंगे, सभी लोग अपनी अपनी कॉपियाँ निकाल लें, कॉपी में गोला नाम की हेडिंग डाल लें। तो भाई सबसे पहले हमारे पास है गोले का केंद्र रूप, गोले का जो है केंद्र रूप, तो बहुत ही सरल केंद्र रूप है, हर किसी को याद होगा, भुलाने पर भी नहीं भूल सकता है, इतना सरल फॉर्मूला है। केंद्र रूप आप सभी लोग पढ़ करके आए हैं बचपन से, जैसे वृत्त का केंद्र रूप होता है x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस एच, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर, तो इसमें केवल x माइनस अल्फा। अगर आपके पास में यदि कोई गोला है और जिसकी त्रिज्या है r, तो आपके पास अगर केंद्र इसका है अल्फा बीटा गामा, अगर वृत्त इसका गोले का केंद्र आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, अल्फा बीटा गामा, केंद्र लिख देता हूँ मैं, अगर केंद्र है अल्फा बीटा गामा और त्रिज्या आर है, तो गोले का समीकरण जो होगा आपका, ये सामने आपके दिख रहा है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। स्पेशल केस के लिए अगर आप केंद्र को 0 0 0 कर देंगे तो समीकरण बन जाएगा, अगर केंद्र आपका 0 0 0 हो जाएगा तो 0 0 0 केंद्र धारण करने वाले गोले का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका गोले का समीकरण। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे है भैया जैसे द्विविमीय स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ऐसे ही एक त्रिविमीय स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, थ्री डायमेंशनल जनरल फॉर्म। जैसे द्विविमीय क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप जानते होंगे जो द्विविमीय स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको इसके पहले की कक्षाओं में थोड़ा सा बताया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जो समीकरण होता है ये कई सारी चीज़ें दिखाता है, उसमें हम डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा इक्वल टू जीरो है और दूसरा डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। डेल्टा इक्वल टू जीरो होने पर वो बन जाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा युग्म, और डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होने पर कई चीज़ें निकल करके आती हैं, जिसमें वृत्त है, परवलय है, हाइपरवलय है, अति परवलय जिसको बोलते हैं, ओके, और दीर्घवृत्त है, कई सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम सीख रहे हैं वो क्या है, अभी हम सीख रहे हैं वृत्त का जनरल समीकरण। तो जनरल फॉर्म लिख लीजिए वृत्त का होता है, वृत्त का नहीं, ये अपने पास में जनरल फॉर्म जो है वृत्त को रिप्रेजेंट करेगा, कब रिप्रेजेंट करेगा वो एक अलग सिचुएशन है, वो नीचे देखेंगे। तो जो वृत्त का जनरल फॉर्म होता है, वृत्त का जनरल फॉर्म लिख लीजिए, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई, माफ़ कीजिएगा मैंने वृत्त बोल दिया, मेरे को यहाँ गोला बोलना था। तो गोले का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, जहाँ पर इसका जो केंद्र होता है वो होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो नोट कर लीजिए, जो केंद्र होता है वो कितना होता है, केंद्र होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ये गोले का केंद्र होता है। और जो त्रिज्या होती है वो होती है क्या, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। इसको याद करना बड़ा आसान है, क्योंकि वृत्त के केस में आपने त्रिज्या पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, बिल्कुल वैसे की वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। तो ये यहाँ पे गोले की त्रिज्या है, बहुत इससे बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग जानते भी होंगे, इससे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये देखो भैया, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, जब एक्स और वाई में जनरल इक्वेशन होता था तो ये जो जनरल इक्वेशन था एक्स और वाई में, इसमें कितने चर हैं, दो चर हैं एक्स और वाई। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता था, ये द्विविमीय ज्यामिति को रिप्रेजेंट करता था, मतलब जो भी होता वो द्विविमीय होता, इसमें द्विविमीय ज्यामिति थी। मगर अब हमारे पास जो समीकरण आएगा वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी एक्स वाई जेड वेरिएबल में आएगा, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो भैया
सबसे पहले आप तीन चरों का क्या लिख लेंगे, कॉपी में लिखिए, तीन चरों का व्यापक समीकरण। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा लिखते जाइए, तीन चरों का व्यापक समीकरण। तो भैया तीन चरों का व्यापक समीकरण क्या होता है? तीन चरों का व्यापक समीकरण जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू एच एक्स वाई हो गया, फिर टू एफ वाई जेड प्लस टू जी एक्स जेड, एक बार एक्स वाई, एक बार वाई जेड, एक बार एक्स जेड, प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड, ओके, और लास्ट में प्लस डी बराबर जीरो। तो देखिए आपके सामने इतना बड़ा समीकरण ये दिखाई दे रहा है, जिसको आपने शायद पहले कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, है ना। तो ये जो समीकरण आपके सामने दिख रहा है, ये जो समीकरण है, ये सेकेंड डिग्री का व्यापक समीकरण है, ठीक ना। मगर कितने वेरिएबल में? तीन वेरिएबल में सेकेंड डिग्री का व्यापक समीकरण है। बेटा नेक्स्ट चैप्टर करो, सेकेंड डिग्री का व्यापक समीकरण है। अब इसमें इसका स्पेशल केस बनता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये समीकरण अगर गोले को व्यक्त करेगा, तो लिख लें ये समीकरण गोले को व्यक्त करेगा। तो भैया गोले को कब व्यक्त करेगा? ये समीकरण अगर गोले को व्यक्त करेगा तो इसकी पहली शर्त है a बराबर b बराबर c, जिससे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो गुणांक है समान हो जाएं। और उसके बाद है h बराबर g बराबर f, तीनों का मान क्या होना चाहिए? जीरो। अगर ये दो शर्तें हैं तो ये समीकरण आपका गोले को व्यक्त करेगा, अदरवाइज ये गोले को व्यक्त नहीं करेगा। इट रिप्रेजेंट अ स्फीयर व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड एच इक्वल टू एफ इक्वल टू जी इक्वल टू जीरो, तब ये गोले को व्यक्त करेगा। आइए बात करते हैं अगला। अगला सवाल आता है कि अ यूनिक स्फीयर कैन पास थ्रू कितने पॉइंट से। देखो भैया एक वृत्त जो होता है वो तीन अलग अलग बिंदुओं से जाता है, याद रखिएगा कि तीन डिफरेंट बिंदुओं से लेकर के केवल एक वृत्त जाता है। मगर गोले को जाने के लिए मालूम कितने बिंदु चाहिए हैं? अलग अलग चार। मतलब एक गोला जो है चार अलग अलग बिंदुओं से होके जाता है। तो इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कि जो एक गोला है वो चार पृथक पृथक बिंदुओं से होकर के जाता है। लिखिए, लिख लीजिए कॉपी में, एक अद्वितीय गोला चार अलग अलग बिंदुओं से होकर जाता है, ठीक है। तो इस बात को लिख लीजिए कि एक अद्वितीय गोला चार विभिन्न बिंदुओं से होकर जाता है। मैं नोट्स बनवा के पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपको एक बार में ही फायदा मिले। तो नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। सर, तीन पॉइंट से कहाँ कहाँ जाता है सर्किल? सर, तीन पॉइंट से वृत्त जाता है, तीन पॉइंट से एक अद्वितीय वृत्त जाएगा, मगर चार बिंदु से होकर के केवल एक ही अद्वितीय गोला जाएगा। तीन पॉइंट कौन कौन से होंगे सर? सर ये नहीं बता सकते हो तीन पॉइंट कौन से होंगे, तीन पॉइंट अलग अलग होंगे, बस ये कहोगे सर, ठीक है सर? ठीक, हाँ, मगर चार अलग अलग बिंदुओं से होकर के केवल एक गोला जाएगा। और अगर आप एक तीन बिंदु ले लें तो तीन बिंदु से होकर के कई सारे गोले जा सकते हैं, याद रखिएगा सर, तीन बिंदु से होकर के कई सारे गोले जा सकते हैं, ठीक है सर, तीन बिंदु से होकर के कई सारे गोले जा सकते हैं, यस। चलिए आइए बात करते हैं अगला। अगला है कि 3D में, देखिए भैया अगर 2D में बात करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 किसको रिप्रेजेंट करता है? 2D में वृत्त को। मगर 3D में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक सिलेंडर को। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, हाँ ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है UPTGT में कि 3D में समीकरण एक्स स्क्वायर, 3D में समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। तो बहुत लोगों ने उत्तर लगा दिया क्या इसका, वृत्त।
कि काय भैया दिखा कैसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और पहला ऑप्शन था अपना व्रत, तो बच्चे लोग लगा दिए पहले ही ऑप्शन व्रत। मगर याद रखिए क्वेश्चन में आगे लिखा था इन त्रिविमीय ज्यामिति, थ्री डी में किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो याद रखिए थ्री डी में यह एक बेलन को रिप्रेजेंट करेगा, एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके नोट कर लीजिए इसको, तो देख लीजिएगा प्रश्न में कि थ्री डी पूछा गया है कि टू डी पूछा गया है, तो थ्री डी में यह सिलेंडर को व्यक्त करेगा। ओके अब आइए बात करते हैं एग्जाम्पल। सर एक क्वेश्चन पूछना था जी मैडम बोलिए। सर इसका नोट्स मिल जाएगा ग्रुप पे? ठीक ये वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, हाँ मैम दे दूंगा एज इट है इज, सर, एज इट ठीक इज आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है मैम है सर, थैंक यू। चलिए हाँ अगला देखिए मैम, जो टू डी है, जो टू डी में है, जैसे टू डी में जो है थ्री एक्स प्लस फाइव आई इक्वल टू टू सब लोग जानते हैं। ओके तो टू डी में तो सब लोग जानते हैं कि ये सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है, मगर थ्री डी में इन थ्री डी इक्वेशन थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू टू, थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू टू ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा एक समतल को, रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, थ्री डी में ये ये आपने एक स्टेट लाइन लिखा देखिए सर मैंने क्या लिखा है, पूरा देखिए आप पूरा स्टेटमेंट देखिए सर, इन टू डी इक्वेशन थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, बट इन थ्री डी इट रिप्रेजेंट अ प्लेन। देखा सर आपने, हाँ इन थ्री डी इट रिप्रेजेंट अ प्लेन। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा प्रूफ भी दे देता हूँ कि सर आप जानते होंगे कि थ्री डी में जो अंतःखंड स्वरूप होता है, युवराज इधर आओ, थ्री डी में जो अंतःखंड स्वरूप होता है, एक सेकंड सर, भाग यहां से भाग कमरे में, अभी सीधे चले यहाँ, रुक मत एक मिनट के लिए, फिर उठता हूँ मैं, फिर मैं स्केल उठाता हूँ, सीधे चले जा कमरे में। हेलो हेलो तो सर मेरी आवाज़ आ रही है सर, क्लियर है? हेलो हेलो जी सर, आ रही आवाज। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो अपने पास में इक्वेशन होता है अंतःखंड स्वरूप का, तो आप जानते हैं कि अंतःखंड स्वरूप का अगर एक्स अक्ष में ए अंतःखंड काटा गया है, वाई अक्ष में बी अंतःखंड काटा गया है, और जेड अक्ष में अगर सी अंतःखंड काटा गया है, तो समीकरण क्या होता है भैया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन, ये होता है। और अगर समतल एक्स अक्ष के समानांतर है, यदि कोई समतल जो है ये मान लो एक्स अक्ष जा रहा है और इसके समानांतर कोई समतल जा रहा है इस तरीके से, तो भैया मैं पूछूंगा कि ये एक्स अक्ष के साथ कहाँ पर अंतःखंड काटेगा, तो बहुत ही सरल जवाब है, बोलोगे भैया इन्फिनिटी पर काटेगा, तो ए जो है एक्स अक्ष के साथ काटा गया, कंठे कंठ क्या रख दीजिए, इन्फिनिटी रख दीजिए, तो ये टर्म पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, जीरो। तो आपके पास केवल क्या बचेगा, बी वाई और सॉरी वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन, जिसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगा सी वाई प्लस बी जेड इक्वल टू बी सी। मतलब ये वाई और जेड में कैसा समीकरण है आपका, वाई और जेड में आपका रेखीय समीकरण है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जिस अक्ष के समानांतर आप समतल लेंगे, वो अक्ष वाला एक्स गायब हो जाएगा, वो कोऑर्डिनेट गायब हो जाएगा। तो यदि मैं आपके सामने समतल लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी वाई बराबर डी, ये मैंने कोई समीकरण लिखा और मैंने पूछा थ्री डी में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो पहला जवाब आपका होगा कि ये समतल को व्यक्त करेगा। दूसरा जवाब, मैं आपसे पूछूंगा ये कैसा समतल है, तो मित्रों बताइए किस अक्ष के समानांतर समतल है, एक्स के वाई के या जेड के, बिल्कुल सही, ये जेड अक्ष के समानांतर समतल को व्यक्त करेगा। यस
तो ये जेड अक्ष के समानांतर समतल को व्यक्त करेगा। तो 2D में ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को, मगर 3D में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक समतल को, ये, और यहाँ पर जो समतल होगा ये जेड अक्ष के समानांतर होगा क्योंकि एक्स और वाई के टर्म में दिया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक है इन 2D एक्स इक्वल टू जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, वाई एक्स को। बहुत सब लोग जानते हैं कि इन 2D एक्स इक्वल टू जीरो जो होता है वाई एक्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये वाई एक्सिस है तो 2D में वाई एक्सिस का समीकरण होता है एक्स इक्वल टू जीरो, मगर 3D में आपको पता होगा कि 3D में अगर आप वाई इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं, 3D में अगर आप y इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं इसका मतलब ये कौन सा प्लेन है, सॉरी 3D में अगर आप x इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं इसका मतलब ये yz तल है। कौन सा तल है, ये yz तल है। yz तो 3D में अगर आपने x इक्वल टू जीरो लिख दिया तो ये yz तल है। अगर आपने 3D में y इक्वल टू जीरो, जैसे यहाँ पर फिलहाल ये दिख रहा है xz तल दिख रहा है, ये x है और ये z है, तो 3D में अगर आपने y इक्वल टू जीरो लिख दिया तो y इक्वल टू जीरो का मतलब जो है वो x अक्ष नहीं है। 3D में y इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स जेड प्लेन। तो सब लोग कॉपी में लिख लीजिए, अपने अपने अपनी कॉपी में लिख लें एक्स वाई तल का समीकरण, एक्स वाई तल का समीकरण जेड बराबर जीरो, वाई जेड तल का समीकरण एक्स बराबर जीरो, और एक्स जेड तल का समीकरण वाई बराबर जीरो। तो 3D में ये अलग अलग समीकरण बना करते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर 3D में अक्ष का समीकरण कैसे होता है, तो याद रखिएगा 3D में एक्स अक्ष का समीकरण जो होता है वो होता है वाई इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू जीरो। ये 3D में एक्स अक्ष की बात मैंने करी है यहाँ पर, कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि 3D में x अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो 3D में x अक्ष का समीकरण होता है y इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू जीरो। बताइए मित्रों, क्लियर है कि नहीं है? जी सर क्लियर है। चलिए अगला समीकरण चलते हैं, वेक्टर फॉर्म की तरफ चलते हैं। वेक्टर फॉर्म गोले का हर कोई जानता है, वेक्टर फॉर्म यानी दो बिंदु से बीच की दूरी, P से लेके C के बीच की दूरी कितनी होती है, त्रिज्या के बराबर। तो इसका वेक्टर जो इक्वेशन होगा वो C से लेके P, CP का मॉड इक्वल टू R। और आप इसको यदि देखना चाहें तो इसके केंद्र अगर अल्फा बीटा गामा है तो C से लेकर के P तक की दूरी क्या बन जाएगी, अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस गामा का स्क्वायर। यहाँ मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, ओके। यदि इसकी मैं दूरी की बात करूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और दोनों पक्षों का वर्क करने पर वही समीकरण आ जाएगा जो हमने शुरू में पढ़ा, जिसको हमने केंद्र रूप पढ़ा। आइए अगला बात करते हैं, क्वेश्चन है, देखिए एग्जांपल है, इफ़ आई स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द प्लेन एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी विद कोऑर्डिनेट एक्सिस देन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। एक स्फीयर भैया ओरिजिन से जा रहा है, एक स्फीयर ओरिजिन से जा रहा है, मतलब वो जो गोला है, पहला गोला जो है वो किससे जा रहा है, ओरिजिन से, यानी कि जीरो 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 से, ठीक है ना। मतलब एक बिंदु तो इसका जो है जाने का वो क्या है, जीरो जीरो जीरो। दूसरा, ये जो प्लेन है ये कैसा प्लेन समीकरण दिया गया है, अंतःखंड रूप दिया गया समीकरण का, ये वही रूप है जो मैंने अभी आपको बताया पीछे, कि ये जो समीकरण है प्लेन का समीकरण है ये तीन बिंदुओं पर समतल काटेगा, एक्स अपॉन ए यानी ये बिंदु क्या होगा ए जीरो जीरो, ये बिंदु क्या होगा जीरो बी जीरो, और ये बिंदु क्या होगा जीरो जीरो सी। और ये चौथा जो आपको दिख रहा है बिंदु जीरो जीरो जीरो, ठीक है ना, ओरिजिन है। इन सब से होकर के गोला जा रहा है, तो भैया आगे की तरफ तो समझ में आ रहा है हमको, पीछे से भी वो कहीं टच अच हो रहा है, उसको दिखा पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि 3D दर्शन उतना बढ़िया नहीं करा सकते हैं आपको 2D प्लेन में, उसके लिए फिर आपको ऑटो कैड डिजाइनिंग के लिए जाना पड़ेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तुलना में लेकर के। तो खैर अपन को बस यहाँ ये समझना है कि इन चारों बिंदुओं से ये गोला अपना जा रहा है, किन किन बिंदुओं से जा रहा है, ए जीरो जीरो,
जीरो बी जीरो, जीरो जीरो सी और साथ में जीरो जीरो जीरो, ये चार बिंदु से जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इससे जाने वाले गोले का समीकरण क्या होगा। तो एक तो तरीका ये है कि अपने दिए गए उत्तर को इन चारों ऑप्शन में सेटिस्फाई कराएं, अपने दिए गए उत्तर को इन चारों ऑप्शन से सेटिस्फाई कराएं, तो ये एक तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से केंद्र निकाल लें, उसमें से क्या निकाल लें, केंद्र निकाल लें, और उस केंद्र को, उस केंद्र की इन चारों बिंदुओं से दूरी निकालें। जिस केंद्र की चारों बिंदुओं से दूरियां बराबर आ जाएं वही उत्तर होगा, और जिनसे दूरियां अलग अलग जाएं वो उत्तर नहीं होगा। और बाकी इसको सॉल्व करने का सिस्टमेटिक मेथड देख लीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ये जो है ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास होने वाले किसी भी समीकरण में कोई नियतांक नहीं होता है, अर्थात डी बराबर जीरो कर दीजिए। तो डी बराबर जीरो करने पर जो हमारा मूल इक्वेशन बना वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू ही वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड इक्वल टू जीरो। इसको ले लिया अपन ने समीकरण नंबर ए, पहले क्या मान के चले थे, ये मेन अपना गोले का समीकरण, मगर उसमें डी बराबर जीरो कर देंगे तो ये मेन अपना समीकरण आएगा। मतलब ऑप्शन में जो भी ऑप्शन होगा उसमें कॉन्स्टेंट पद नहीं होगा। अब आइए पुट करते हैं, समीकरण हमारा पहला किससे जा रहा है, ए जीरो जीरो से। तो भैया पुट कर दीजिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है केंद्र, केंद्र क्या होता है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, केंद्र निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगी। तो अपन ने यू का मान पुट कर देंगे ऊपर जाके, क्योंकि हमें क्या चाहिए है, हमारे पास सब ज्ञात है, हमको यू पता नहीं, हमको वी पता नहीं, हमको डब्ल्यू पता नहीं है, बस हमें यू वी और डब्ल्यू पता करना है। तो यू पता करने के लिए सबसे पहले भाई साहब इसमें क्या पुट कर दीजिए, ए जीरो जीरो। तो यहाँ से ए जीरो जीरो आपने पुट कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस टू यू ए इक्वल टू जीरो। यहाँ से यहाँ पे जीरो भी जीरो पुट कर दिया, तो बी स्क्वायर प्लस टू वी बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे जीरो जीरो सी पुट कर दिया, तो सी स्क्वायर प्लस टू डब्ल्यू सी इक्वल टू जीरो। तीन इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं, इन तीन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो यू बराबर हो गया माइनस ए बाई टू, बी बराबर माइनस बी बाई टू, और डब्ल्यू बराबर माइनस सी बाई टू। उसमें पुट कर देंगे यू भी डब्ल्यू की वैल्यू, देख लीजिए बड़े आराम से, यहाँ पे यू की वैल्यू डालेंगे, माइनस ए बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू जीरो। बहुत ही सरल सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू जीरो। चलिए आ गया समझ में ना, सभी को क्लियर है ना, बताइए क्लियर है, हेलो। हाँ जी सर, U की वैल्यू कितनी है सर, U की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना सर, U की वैल्यू तो निकालेंगे, आइए निकाल देते हैं सर। देखिए सर, यहाँ से A कॉमन ले लीजिए, तो A बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, यू ए ए प्लस टू यू ए, टू यू इक्वल टू जीरो। दो केस बनेंगे, या तो A जीरो, अगर A जीरो हो जाएगा तो अंतःखंड काटा ही नहीं जाएगा, तो संभव नहीं है, मतलब A प्लस टू यू इक्वल टू जीरो हो गया, माइनस ए बाई टू, टू यू बराबर हो गया माइनस ए, यानी U इक्वल टू हो गया कितना, माइनस ए अपॉन टू। ऐसे v इक्वल टू माइनस बी बाई टू और c इक्वल टू माइनस सी बाई टू आ जाएगा। इन तीनों को उठा करके समीकरण नंबर ए में पुट कर दीजिए, तो आंसर आ गया, ठीक है सर जी। चलिए आइए अगला लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम किसका इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन का इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने नहीं वाले हैं, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन का समीकरण पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन का समीकरण कैसे निकलेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, स्क्यू लाइन, सॉरी स्क्यू लाइन क्या होती है, असमतलीय रेखाएं। तो ये देखिए, मान लीजिए एक रेखा आपके सामने ऐसी है और एक जो है आपके जी सर, और एक रेखा जो इस तरीके से असमतलीय है आपके मोबाइल स्क्रीन को फोड़ करके आ रही है इस तरीके से। ये रेखा दी गई है सही रेखा नंबर एक, और ये रेखा दी गई है रेखा नंबर दो, ठीक है ना, ये रेखा दी गई है रेखा नंबर एक और ये रेखा दी गई है रेखा नंबर दो। आपको निकालना है
यहाँ से जब आप इस रेखा पर लंब डालेंगे तो ये जो रेखा है ये कहलाएगी इन दोनों के बीच की दूरी। आपको इसी रेखा का समीकरण चाहिए है, आपको इसी रेखा का समीकरण चाहिए। ओहो, हाँ सर, चलिए ओके। अभी सब कुछ क्लियर है? आवाज़ आ रही है मेरी सभी को ना? हेलो सर, मेरी क्लियर वॉइस मिल रही है? हेलो जी ओके सर। तो मैं कह रहा था कि हमें यहाँ पर जो है ये वाली रेखा जो दिख रही है आपको बीच में, ये रेखा जो है हमें इसका समीकरण जो है चाहिए है। तो अच्छा, ये क्या? दोनों अलग अलग प्लेन में होते हैं ना सर? बिल्कुल दोनों लाइन सर, अलग 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 प्लेन प्लेन में हैं। हमें ये जो दोनों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसकी, ये रेड वाली रेखा जो है इसका समीकरण निकालना है। तो देखिए, आपके पास ये पहली रेखा दी गई है और ये दूसरी रेखा दी गई है। आप एक चीज़ महसूस करिए कि भैया यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन की जो दिक् को ज्याय है एल एम एन मान लीजिए, तो ये लाइन इस रेखा पर भी लंबवत होगी और ये लाइन इस रेखा पर भी लंबवत होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों के लिए? हम लिख सकते हैं ए वन एल प्लस बी वन एम प्लस सी वन एन बराबर 0 और ए टू एल प्लस बी टू एम प्लस सी टू एन बराबर 0। समीकरण हल कर देंगे, एल एम एन का मान आ जाएगा। ओके, एल एम एन का क्या आ गया? मान आ गया। एल एम एन की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब एल एम एन की वैल्यू आने के बाद देखिए क्या कर रहे हैं। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन बाई द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग प्लेन्स। तो अब जो है हमारे पास जो लाइन मिल रही है, सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन बाई द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। दो हमारे पास प्लेन बन रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास दो समतल बन रहे हैं और दो समतल का प्रतिच्छेदन हमारे पास जो बनेगी, ये दोनों स्क्यू लाइन्स, ये जो बनेगी हमारे पास स्क्यू लाइन का समीकरण हमको मिलेगा। क्योंकि दो असमतलीय रेखाएं के बीच की एक रेखा जो दो असमतलीय रेखाओं को मिलाएगी, किसका निर्माण करेगी? दो अलग अलग समतलों का निर्माण करेगी। और वो दो समतल, नहीं दो समतल जब आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या बनेगी? रेखा बनेगी। बताइए सर। तो स्क्रीन नहीं दिख रही है देखना। अच्छा सर, तो
ठीक है सर, सॉरी स्क्रीन में भूल गया था डिस्प्ले करना। तो मैं सर ये कह रहा था आपसे कि जो हमारे पास, ये देखिए हमारे पास, देखिए ये जो रेखा है, ये इसके दिक् कोज्याएं कितनी मान लीजिए, LMN। अब ये जो हमें किसका समीकरण निकालना, हमें इस वाली रेखा का समीकरण निकालना है, हमें इस वाली रेखा का समीकरण चाहिए। और एक रेखा जो होती है दो अलग अलग प्लेन के प्रतिच्छेदन से बनती है, एक रेखा जो होती है दो अलग अलग समतल के प्रतिच्छेदन से बनती है। जैसे किताब के पन्ने आपने देखे होंगे, ये एक किताब का पन्ना है और ये एक किताब का पन्ना है, ये देखिए। और जब दोनों ये किताब के पन्ने किसी पॉइंट पर आकर के मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये एक स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। जी हाँ, तो अभी जो हमें यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन का समीकरण देना है, कुछ इसी फीलिंग को लेकर के देना है कि ये जो हमारे पास ये लाइन बनेगी, वो इस ये लाइन से बनने वाला समतल और इस लाइन से बनने वाले समतल के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होगी। तो हमें दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर के जाने वाली लाइन निकालनी है, क्योंकि ये जो लाइन है ये दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से मिलेगी। ओके, आइए तो कैसे निकालते हैं, देखिए दो समतलों का प्रतिच्छेदन निकालना है तो सबसे पहले हमने LMN रेखाओं के दिक् कोज्याएं ज्ञात कर ली। उसके बाद हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा, अब आपको ये हम कंसेप्ट लगाएंगे कि दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन हम कैसे निकालेंगे, सॉरी दोनों समतलों का। सो इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। तो दो हमारे प्लस हम प्लेन ले लेंगे। कैसे प्लेन हमारे पास आएंगे, पहला प्लेन जो है वो हमारी पहली लाइन के बिंदुओं को धारण करते हुए जाएगा। तो पहली लाइन के बिंदु क्या है भाई साहब, पहली लाइन के बिंदु हैं X1, Y1, Z1, और पहली रेखा के दिक् अनुपात क्या है, A1, B1, C1। तो हम जानते हैं समतल का समीकरण क्या होता है, X-A1, Y-Y1, सॉरी X-X1, Y-Y1, Z-Z1 एंड A1, B1, C1 और LMN इक्वल टू जीरो, ये पहला समीकरण है, ठीक है ना। दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, जो दूसरी रेखा आ रही है, ये जो दूसरी रेखा आ रही है इसको धारण करके चलने वाले प्लेन का समीकरण क्या होगा, ये भी हम जानते हैं। इसको धारण करके चलने वाले प्लेन का समीकरण क्या होता है, X-X2, Y-Y2, Z-Z2, A2, B2, C2 एंड LMN इक्वल टू क्या, जीरो। जी हाँ, ये बन गए हमारे पास दोनों प्लेन के समीकरण, और दोनों प्लेन के समीकरणों के प्रतिच्छेदन बिंदु से जो रेखा मिलेगी वो क्या होगी, वो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो हमारी जो है यहाँ पर सबसे पास वाली रेखा हमें प्राप्त होगी। आइए एक सवाल करते हैं इसका, और उस सवाल से हमें क्लियर हो जाएगा, कई सारे सवाल यहाँ पे हैं। पहले सवाल हमारे पास आएंगे गोला के, और गोला के बाद फिर मैं आपको कराऊंगा आपको इसके सवाल, लाइन के जो आपको मैं बता रहा हूँ लाइन के सवाल में उसके बाद में कराऊंगा। आइए देखते हैं, पहले गोला का सवाल देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ आई स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड पासिस थ्रू ओरिजिन एंड कट्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एट ABC। ओके, इफ आई स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड पासिस थ्रू ओरिजिन एंड कट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एट ABC, देन लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ABC। तो आपको यहाँ पर किसका लोकस पूछा गया है, त्रिभुज ABC के केंद्रक का बिंदु पथ आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले कौन मूव कर रहा है, यहाँ पे एक स्फेयर है रेडियस, जिसकी रेडियस आर है, और वो जो स्फेयर है वो किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और वही एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष से इंटरसेप्ट काट रहा है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट वाला इक्वेशन बनता है, वो ये बनता है X2 + Y2 + Z2 -AX - BY - CZ = 0। ये हमने थोड़ी देर पहले समीकरण निकाला था,
आप लोग को याद होगा, ये हमने समीकरण निकाल लिया था। अब इसके बाद हमसे ये कहा जा रहा है कि इसका किसका निकालना है भाई साहब, लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड, मतलब हमें सेंट्रॉइड का बिंदु पथ निकालना है। इसका मतलब जो सेंट्रॉइड हैं उनको हमको वेरिएबल मानना है, यानी एच कुछ नाम दे दें उनका, एच के लेते थे ना हम लोग उसमें, है ना, एच के किस में लेते, द्विविमीय में, तो इसका भी नाम कुछ दे देंगे, एच जी एफ कुछ भी दे देंगे। तो भैया त्रिज्या आर है, तो आर त्रिज्या कितनी होगी, ए स्क्वायर बाई फोर, बी स्क्वायर बाई फोर, सी स्क्वायर बाई फोर, ये आर का मान आ गया, आर बराबर इतना, आर का स्क्वायर कर दो भाई साहब, अपने पास आ गया आर का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो केंद्रक होगा वो कितना होगा, ए बाई थ्री, बी बाई थ्री, सी बाई थ्री। ए बाई थ्री जो है उसे क्या माना है आपने, त्रिभुज का केंद्रक यानी कि एच, तो ए इक्वल टू थ्री एच, बी बाई थ्री इक्वल टू वाई यानी बी इक्वल टू थ्री वाई, एंड सी बाई थ्री इक्वल टू जेड ले लो। फिलहाल मैंने एच लिया, इसको आप एक्स कर देना, क्योंकि एच के को हम बाद में एक्स वाई जेड में रिप्लेस करते हैं, एंड सी इक्वल टू थ्री जेड, ये आपने ले लिया। अब ए की जगह थ्री एक्स है, बी की जगह थ्री वाई है, सी की जगह थ्री जेड है, आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, क्या बन गया, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस नाइन जेड स्क्वायर इक्वल टू फोर आर स्क्वायर। ये हमारे पास केंद्रक का बिंदु पथ आ चुका है। बताइए मित्रों, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए क्या किया है, सबसे पहले हमने समीकरण निकाल लिया वृत्त का, वृत्त जो है ओरिजिन से जा रहा है और तीन बिंदुओं से जा रहा है, जी ए जीरो जीरो, जीरो बी जीरो और जीरो जीरो सी, इन तीन बिंदुओं से जा रहा है। तो इन तीन बिंदुओं से होकर के जाने वाले अपन ने वृत्त का समीकरण निकाल लिया। उसके बाद में हमने त्रिज्या निकाली, त्रिज्या से हमें क्या मौका मिल गया, ए बी सी में एक समीकरण मिल गया हमारे पास, और वो समीकरण क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू फोर आर स्क्वायर। जी हाँ, अब हम जानते हैं कि जो केंद्रक होता है वो होता है ए बाई थ्री, बी बाई थ्री, सी बाई थ्री, और ए बाई थ्री, बी बाई थ्री और सी बाई थ्री का केंद्रक है। तो ए बाई थ्री इक्वल टू एक्स, तो ए की वैल्यू आ गई थ्री एक्स, बी की वैल्यू थ्री वाई और सी की वैल्यू थ्री जेड, इसको पुट करके हमने आंसर निकाल लिया। बताइए कुछ डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड पासेस थ्रू ओरिजिन कट्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एट द पॉइंट ए बी सी, ये तो अभी अभी हम लोगों ने कर लिया ना, तो इसको दोबारा मैंने क्यों कर रखा है यहाँ पे, आई डोंट नो मैंने इसको दोबारा क्यों कर रखा है भाई, यही तो आंसर आया है। हाँ शायद दोबारा फ़ोटो मैंने दोबारा खींच ली, सॉरी दोबारा नहीं किया है मैंने, फ़ोटो दोबारा खींच ली इसलिए ये रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर पासिस थ्रू ओरिजिन एंड कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी, देन लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन थ्रू ए बी सी। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है ये। आपको क्या पूछा जा रहा है, अ स्फीयर विद रेडियस आर एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पर काटता है, देन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन थ्रू ए बी सी, मतलब किसका लोकस निकालना है, लोकस किसका निकालना है, लोकस हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का निकालना है, लोकस हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का निकालना है, परपेंडिकुलर है लंब पाद का निकालना है, और लंब कहाँ से डाला जाना है, लंब डाला जाना है ओरिजिन से, किस पर डाला जाना है, ए बी सी पर डाला जाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, वही समीकरण ले लेंगे। तो समीकरण हमारे पास क्या हो गया, समीकरण हमारे पास आ गया स्फीयर का,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू जीरो, जहाँ पे त्रिज्या आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बाई फोर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर प्लस सी स्क्वायर बाई फोर वर्क कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू फोर आर स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। अब हम समतल का समीकरण निकालते हैं। भाई समतल का समीकरण हर कोई जानता है कि समतल का समीकरण जो होता है वो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन होता है, ये होता है समतल का समीकरण। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के निर्देशांक जो होते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब किसी बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक। तो किसी बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक क्या होते हैं, कंडीशन अपन जानते हैं। किसी बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक होते हैं एक्स अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी इक्वल टू जेड अपॉन सी। ए बी सी क्या होते हैं, दिक अनुपात। इक्वल टू समीकरण में हमारे पास लिखते हैं हम जो समीकरण होता है एक्स वन, वही समीकरण पूरा का पूरा, और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास जो होते हैं लंब पाद के निर्देशांक हमारे पास आया करते हैं। यहाँ पे अंडर रूट नहीं होता है, डायरेक्टली होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप लोग ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जरूर नोट कर लें। समतल में अगर आपके पास में यदि कोई समतल है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू समथिंग, कोई आपके पास समतल है तो समतल में एक होती है क्या, डाले गए लंब की लंबाई, वहाँ पर अंडर रूट आता है, और एक होता है लंब पाद के निर्देशांक, तो ऊपर माइनस भी आता है और साथ साथ पे नीचे क्या आता है, नीचे स्क्वायर आता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये फॉर्मूला ज़रूर नोट कर लें, लिख लें, मैं लिखवा भी रहा हूँ पूरा पूरा, ये चीज़ यहाँ पे इस शीट में नहीं लिखी हुई है। लिखिए समतल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो पर, प्लस डी बराबर जीरो पर बिंदु अल्फा बीटा गामा से डाले गए लंब पाद के निर्देशांक। ओके, बिंदु अल्फा बीटा गामा से डाले गए लंब पाद के निर्देशांक आपको बताना है, बिंदु अल्फा बीटा गामा से डाले गए लंब पाद के निर्देशांक यानी परपेंडिकुलर जो आप खींचेंगे उसके निर्देशांक क्या होंगे। लिखिए एक्स अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी इक्वल टू जेड अपॉन सी इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट नहीं आता इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक का, ये फॉर्मूला हुआ करता है। सर आप लोगों ने लिख पाए कि नहीं लिख पाए, हेलो सर बताइए प्लीज़, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नीरज सर रिप्लाई तो कीजिए। देखिए यहाँ पे आपके पास में अगर आपके पास में कोई समतल दिया गया है और समतल पे कोई बिंदु आपके पास में है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, और आपको इस पे डाले गए खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक चाहिए हैं तो वो निर्देशांक मैंने बताए। थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं हूँ सर, x माइनस एक्स वन होता है, हालांकि क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही आ गई कि जीरो 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 आ चुका है, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद x माइनस एक्स वन होना चाहिए, फिर भी अगर आगे देख लेंगे तो यहाँ पे आ गया है। तो अब लंब पाद के निर्देशांक यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन वन बाई ए इक्वल टू वाई अपॉन वन बाई बी इक्वल टू जेड अपॉन वन बाई सी,
और माइनस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस का वन अंडर रूट नहीं लगता इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हल करने पर एक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया, जेड का मान आ गया। ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है, और ये किसका मान है, जेड का मान है। तो यहाँ से वन अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया अपन ने, यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये पलट करके वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यदि आप यहाँ से वन अपॉन एक्स स्क्वायर कर देंगे तो किस तरीके से वन अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, बहुत ही समझना आसान है। ए स्क्वायर नीचे चला जाएगा और ये होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर चला ये नीचे आ जाएगा, वन अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और इसी तरीके से ये मिल जाएगा। अब आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था लंब पाद का बिंदु पथ, लंब पाद का बिंदु पथ आपको चाहिए था, ठीक है ना। तो लंब पाद के बिंदु पथ के लिए क्या करिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करके जब आप इसको लिखेंगे तो पहला आएगा, देखिए कितना आएगा, ए स्क्वायर अपॉन वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर अपॉन वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर। इस तरीके से तीनों को हल कर लेंगे आप, तो आपका बिंदु पथ जो आएगा फाइनली वो इस तरीके का आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू फोर आर स्क्वायर। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए आंसर का मिलान करने के लिए यहाँ पे दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, एक चीज़ तो ये इन्वॉल्व है, और दूसरा वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन वाई स्क्वायर वन अपॉन जेड स्क्वायर क्या है, वो तो ये आ चुका है। देखिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन वाई स्क्वायर वन अपॉन जेड स्क्वायर तो ये आपके पास बैठा हुआ है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपके पास ये बैठा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपके पास सॉल्व करने पर कितना आ चुका है, वो आपके पास आ चुका है कितना, सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको आपने सॉल्व किया है तो आपके पास ये आया है वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर, ये आपके पास आया है। और जब इसको पलट देंगे तो ये होल टू दी पावर माइनस टू हो गया, ठीक है ना, और दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर प्लस वन बाई जेड स्क्वायर, इस तरीके से आंसर आ चुका है। चलिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये टॉपिक, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी आप लोगों को क्लास में। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस आपको बचे हुए हैं ये आपको कल करके लाने हैं, ठीक है ना, इसके क्वेश्चन